नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बैक विद अनदर अ वेरी कॉन्टेंटफुल वीडियो। आई वुड प्रोबली से दिस, यस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएपीएफ पेपर। सो एज अर्लियर आई टोल्ड यू दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पर I will surely be covering those portion which actually students are looking for. They actually seek some content, you know. मैंने बहुत सारे videos में देखा है actually ऐसा कि वो सिर्फ ये बता देते हैं कि आपको ये लिखना है, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, but saying just कि करना चाहिए does not mean anything. I suppose कि students को चाहिए कि actually कैसे लिखना है, वो अगर लिख कर बताया जाए तो ज़्यादा useful होगा। तो इसको मैं short रखूँगा, सब कुछ मैं कंसाइज करके बताने की कोशिश करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि 100% आउटपुट हो इसका और आपको 100% रिजल्ट मिले इससे। तो काउंटर आर्गुमेंट आज का टॉपिक है, और काउंटर आर्गुमेंट को कैसे कंप्लीट करना है पेपर टू में, काउंटर आर्गुमेंट होता क्या है, पूरी डिटेल्स दूंगा, ठीक है। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जैसा हमेशा करता हूं प्रीवियस रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और बाकी वीडियोज में, लेटर राइटिंग वीडियोज में मैंने किया है, बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट करके। तो इसमें कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत इजी वे में सारी चीज़ें समझाऊं। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड लिसन एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। आपको पता है पेपर टू का जो पार्ट है उसमें आपका जनरल स्टडीज और ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन कवर करता है, जिसमें ऐसे राइटिंग आपको पता है 80 मार्क्स का, वो मैं आपको एक एक करके उसका बहुत ही एल्यूसिव पार्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो कि 40 मार्क्स का है, दिस इज समथिंग रियली विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। रिपोर्ट जिसको डिबेट राइटिंग कहते हैं, ऑलरेडी मैंने इसका कवर कर रखा है वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं, टेलीग्राम से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है, उसको आप अगर नया कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे सेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैं आपको चेक करके आपका फीडबैक प्रोवाइड करूँगा कि आपने कैसा प्रोवाइड लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट वीडियोज, और ग्रामर आपको ऑलवेज जैसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, तो आज हम टारगेट क्या करने वाले हैं भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारा डाउट है, मैंने सोचा कि भाई जब ये इतना ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने बहुत डिसाइसिव होकर नहीं सोचा या आपको बहुत क्लियर शब्दों में नहीं समझाया गया कि एग्जैक्टली काउंटर आर्ग्यूमेंट है क्या, या आपको लिखते टाइम ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुई पिक्चर, या आप कन्फ्यूज्ड हो गए, इफ़ यू नो हैव टू थॉट्स एट द सेम टाइम, उसको कई बार गलत कहा जाता है, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में आपको दो थॉट्स लेकर चलने पड़ेंगे, बट उसको कैसे एक्चुअली ऑन पेपर प्रेजेंट करना है, वो एक सजाई हुई थाली होती है जैसे राजा के सामने पेश करनी है, वो कुछ उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप नोटिस करो, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा, ये बहुत यूजफुल पॉइंट है, चाहो तो उसको डाउनलोड करो, चाहो तो कॉपी पे लिखो, कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में आया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक के बारे में, अगर यू डोंट हैव द नॉलेज, आप नंबर फेच नहीं कर पाएंगे। आप बस ये है कि मिनिमल कैसे भी करके बटोर ले नंबर, दे दे आपको एग्जाम नंबर, दैट इज अनदर केस, बट आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे इफ़ यू आर नॉट सेल्फ सफाइस विद दिस टॉपिक, वॉट एवर टॉपिक, वॉट एवर क्वेश्चन। ये मिलते कहाँ से क्वेश्चन, न्यूज़पेपर के अलावा, राज्यसभा टीवी आपने अगर नाम सुना, गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो, लोकसभा टीवी डिबेट्स आती है, इसकी थ्योरी भी मिलती है, वो भी प्रोवाइड होती है। ये एक अलग, एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर सच में आप एस्पिरेंट हो यूपीएससी सीएपीएफ के, तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू जस्ट यू नो कैन हैव इन फेवर। अगर आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप फेवर ढूंढ लोगे, अगेंस्ट नहीं ढूंढ पाओगे, अगेंस्ट ढूंढ लोगे, फेवर नहीं ढूंढ पाओगे फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली जहां पर आप एक किसी भी बात के लिए एक ऐसी विचारधारा रखते हैं जो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, उसके विपरीत आपको सोच करके कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना करके लिखने पड़ेंगे, इसी को बोलते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप किसी भी बात के लिए आज तक हो सकता हो एक तरफा विचार रखते आए थे, परंतु यदि आप ऑफिसर के जैसे सोच रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग सम यू नो फैंटास्टिक फैबुलस आइडियाज, सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आपको आज बैलेंस्ड पर्सन बन के दिखाना है। योर व्यूज कैन बी इन फेवर और अगेंस्ट व्हाटएवर, बस you have to jot down the points accordingly to get prepared with the writing for both. आपको दोनों लिखने हैं,
आपको रफ पे ऐसे करके जॉट कर लेने हैं पॉइंट्स, क्योंकि उन्हीं को आपको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिखना है, आपको मार्क्स खींचने हैं, तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने लिखा है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ट्राई एज मच एज पॉसिबल बींग फैक्चुअल एक्यूरेट, जितना ज्यादा फैक्ट्स को बटोर करके आप वहां पर इकट्ठा कर सकते हो उतना बेहतर होगा। मतलब फैक्ट्स को आपको भर भर के वहां पर लिखना है। अब पॉइंट दिमाग में आपके चल रहा होगा कि इतने फैक्ट्स कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए बस एक ही रास्ता है, न्यूज़पेपर से आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिबेट्स हैं टीवी डिबेट्स, जिसको राज्यसभा और लोकसभा की टीवी डिबेट्स, ये टीवी चैनल वाले न्यूज़ चैनल वाले नहीं, तो उसका आपको पीआईबी के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वहां से आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके एनालिसिस कर करके आपको एक रफ नोट्स बनाते चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अब चूंकि टारगेट बड़ा है तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा जो एक पॉइंट फिफ्थ नंबर पर लिखा है वो ज़रा ध्यान से सुनना, adhere strictly to the number of words given. ये थोड़ा सा आपको चिपक के रहना है। मतलब एक्चुअली जब पेपर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो वहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है काउंटर आर्ग्यूमेंट के। रिपोर्ट राइटिंग के लिए, डिबेट राइटिंग जिसको कहते हैं, वो 200 शब्द वहां पर लिखे हैं, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए 200 शब्द नहीं लिखे हैं। बट ये अप्रॉक्स बताया जाता है कि कुछ तो एक लिमिट रहेगी जिसके आसपास आप रहोगे, तो 200 शब्दों के आसपास का मतलब है कि 200 से थोड़ा इधर, 200 से थोड़ा इधर आप रह सकते हैं। 25-30 शब्द ऊपर नीचे कोशिश करो, आसपास रहो, बहुत ऊपर मत जाओ। मेक श्योर योर व्यूज आर आर्टिकुलेटेड वेल एंड बैलेंस्ड, ये जरूरी है, रट लो, बैलेंस्ड होना जरूरी है। आप आज तक हो सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट रहे हो, बट अब आपको मॉडरेट बनना पड़ेगा। व्हेन यू आर यूजिंग द पेन एंड पेपर यू हैव टू बी, दिस इज द ओनली यू नो कंक्लूजन अबाउट दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट। सो कंक्लूजन मस्ट रिफ्लेक्ट योर ओन ओपिनियन। अच्छा, एक और चीज है, कई जगह आपको बताया गया कि कई तरीके हैं लिखने के, मैं आपको तरीके बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसके बावजूद भी जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ये पूरा कैसे मतलब जस्टिफाई हो जाए कि हाँ आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट को सक्सेसफुली प्रेजेंट कर दिया है और अब मुझे मार्क्स देने चाहिए। तो जब मैं अपनी बात लिख रहा हूँ कि आई हैव टू बी ऑन माई ओन ओपिनियन एट दी एंड, इवेंचुअली दैट मस्ट साउंड समथिंग गुड, यू नो, इन द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, इन द बेनिफिट ऑफ द नेशन, इन सच सेंस। सो वॉट इज ऑल अबाउट दैट? सो हाउ टू राइट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, वी हैव थ्री वेज। One is the paragraph, one is the tabular, that is table form, and one is the point form. Paragraph form is some sort of kind of obsolete. ये थोड़ा सा obsolete हो गया है, इसको थोड़ा कम prefer कर रहे हैं, but मैं आपको बोलूँगा कि जो method मैं अपनाने जा रहा हूँ यहाँ पर वो preferable है, जिसको कहते हैं comparison form में अगर आप लिखते हो, table form में लिखते हो, column form में आप लिखते हो, वो preferable है, और उसी तरीके पे मैं आपको लिख के दिखाने जा रहा हूँ। और एक लास्ट होता है जो कि पॉइंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये तीन तरीके होते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट को लिखने के, ठीक है। बच्चे पहले काफ़ी पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे, उसमें काफ़ी वर्ड्स एक्सटीट कर जाते थे, बट वो काफ़ी खिचड़ी जैसी लगती थी, वो क्लैरिटी नहीं दे पाती थी। तो उसको अब ट्रेंड को चेंज करते हुए जो नए क्वेश्चन हैं उसमें सेकेंड मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है और बहुत क्लियरली दिख रहा है उसमें। पॉइंट फॉर्मेट भी लोग अपनाते हैं, बट ये जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए यहाँ पर मैं अपने आप को हटा करके आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले बेसिकली आप ध्यान से सुनते हो, क्वेश्चन पे फोकस करना क्योंकि बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूँ। शुड एन ऑर्डिनरी मैन बी गिवन अ लाइसेंस टू कीप अ गन और रिवॉल्वर? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आया बच्चों, आपको क्या करना है, पॉइंट्स जॉट डाउन करने। मतलब क्या एक सामान्य व्यक्ति को लाइसेंस मिलना चाहिए गन या रिवॉल्वर रखने का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपके विचार दो तरफा हो संभव है, परंतु एक तरफा हो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। कोई भी कहेगा कि हाँ या कोई भी कहेगा ना, मैं आपको दोनों के पॉइंट बैलेंस करके लिख के दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे। सबसे पहले दिमाग में मेरे पॉइंट आया कि भाई अगर साधारण आदमी लाइसेंस मिल जाएगा गन और रिवॉल्वर रखने का तो आतंक मचा देगा, यही तो सबसे पहले पॉइंट आएगा। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कैसे, एक इंट्रो देकर। ध्यान से सुनना, मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ इंट्रो देकर। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप तो कह रहे थे कि कॉलम फॉर्म में लिखोगे, मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो कि आपको भी करना होगा कॉलम में लिखने के बावजूद भी। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही, इलीगल एक्टिविटीज आर इनगल्फिंग द एंटायर वर्ल्ड। आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज चूंकि सब पूरे विश्व को कवर करती जा रही हैं बहुत जबरदस्त रेट पर, काफी ज्यादा नंबर्स में, देयरफोर Different laws are being enacted by the governments to safeguard their citizens. तो कई तरीके के laws भी बनकर तैयार हो रहे हैं government के द्वारा, किसको बचाने हेतु, लोगों को बचाने हेतु, यानी कि उसके जो citizens हैं उनके लिए।
सिमिलरली देर इज अ प्रोपोजिशन, एक तरह का एक सामने प्रस्ताव रखा गया है कि अलाउ करें कॉमन पीपल को टू ओन अ लाइसेंस्ड अम्यूनिशन. अब आपने देखो मेरी मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं अपनी ही बात को जस्टिफाई यहां पर इस लाइन को लिखकर कर रहा हूं, इस लाइन को लिखकर कर रहा हूं, टाइटल को लिखकर कर रहा हूं, और साथ में लिख रहा हूं हाउएवर, साथ में क्या जोड़ा मैंने, आई वुड नॉट सब्सक्राइब टू द आइडियोलॉजी, मतलब इसी आइडियोलॉजी को मैं सब्सक्राइब नहीं करता. यानी कि मैं लास्ट में जब कंक्लूड करूंगा ना तो मैं इसके अगेंस्ट दिखाई दूंगा आपको, मैं आपको जब कंक्लूड कर रहा हूं तो आप मुझे ही पाओगे कि मैं इसके अगेंस्ट हूं. बगर अब मेरे पॉइंट्स देखना आप कि कैसे मैंने बैलेंस किया, बहुत चतुराई से बैलेंस किया है. सबसे पहले देखो फेवर, अगर आप क्वेश्चन भूल गए तो मैं दोबारा बता दूं कि ऑर्डिनरी मैन को क्या लाइसेंस दिया जाना चाहिए, इसके फेवर में क्या लिखा मैंने. पहले देखो, एरियाज वेयर देर इज नो एक्सेस टू सिक्योरिटी पर्सनल, जहां कर्मचारी नहीं होते जो सुरक्षा दे सके. अब एक बात बताओ, सुरक्षा दे सके वो कर्मचारी होते हुए भी एक्सीडेंट होते हैं, मर्डर्स होते हैं, किलिंग्स होती हैं, मास लिंचिंग होती है, तो रेसिडेंट्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड फॉर द प्रोटेक्शन. मतलब उनको एक ऐसी हेल्प, सेल्फ हेल्प जिसे कहा जाता है, वो होनी चाहिए. आपको लिखने की जरूरत नहीं है सेल्फ हेल्प, ये इससे अर्थ निकल रहा है. मतलब आप कहोगे ऐसे एरिया जहां पर कोई एक्सेस नहीं है सुरक्षा कर्मचारियों का, उन जगहों पर रेसिडेंट्स के लिए आवश्यकता है रीइंफोर्स, मतलब उनको समृद्ध बनाने के, किस चीज से समृद्ध, उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए. दूसरे पॉइंट को मैंने सपोर्ट करते हुए कैसे लिखा, डेंजर इज सुप्रीम, डेंजर सबसे ऊपर होता है. आपको पता है जब विक्टिम जिस पे अपराध किया जाता है वो अनआर्म्ड होता है, ये बात बहुत बड़ी जस्टिफेबल बात है. सो इट विल एड वन टू अवॉइड थ्रेट, ये उस व्यक्ति को थ्रेट अवॉइड करने में हेल्प करेगा. मतलब मैं उस स्टेटमेंट के फेवर में लिख रहा हूं. उसके बाद लिख रहा हूं एन आर्म्ड सिविलियन इफ ट्रेंड, अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए तो वो हेल्प कर सकता है नेशन को. किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ स्टेट एमरजेंसी. अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप इसको पॉज करके ना इसके वर्ड्स भी काउंट कर सकते हो. मैंने वर्ड लिमिट को कहीं भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी है. इसका एक फोर्थ पॉइंट भी पढ़ूंगा मैं पहले. फोर्थ पॉइंट है, इट इज वायबल टू इशू सच अ लाइसेंस टू अ ले मैन एज गवर्नमेंट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरी बुलेट. आप देख रहे हो ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये लाइन मैं 100% कह सकता हूं अट्रैक्ट करेगी किसको, मेरे रीडर को. जो भी रीडर जब रीड करेगा वो तुरंत इस लाइन को अट्रैक्ट करेगा कि गवर्नमेंट तो रिकॉर्ड रखेगी रखेगी बुलेट का, इसका मतलब वो हम इसके फेवर में जा सकते हैं. अब देखो मैं उसी के अगेंस्ट क्या बोल रहा हूं, मैंने बैलेंस कैसे करा इस बात को. जब मैंने लेमेन शब्द यूज किया तो मैंने बोला दे डू नॉट पोजेस द एफिकेसी, उनके अंदर इतनी उनके अंदर संभावना नहीं होती कि वो रिक्वायर टू हैंडल अ लीथल वेपन, मतलब वो जो वेपन रख रहे हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है लाइक पिस्टल, सिंस दे कैन लूज देयर टेम्पर इजिली ओवर सम ट्रिवियल इशू एंड मिस यूज द अथॉरिटी. बहुत ही लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि आप अगर उनको देते हो तो वो किसी भी तरीके से अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत ही बेहद ना इंपॉर्टेंट जो इशूज होते हैं उन पर भी, और वो अपने अथॉरिटी का मिस यूज करेंगे. दूसरा पॉइंट यहां पर क्या जस्टिफाई कर रहा है कि इट वुड बी हार्ड, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टेट के लिए. स्टेट का मतलब यहां पर है लॉ एंड ऑर्डर से, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज, क्योंकि पीपल आर लाइकली टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स इन स्पाइट ऑफ अप्रोचिंग फॉर लीगल एक्शन. जबकि उनको चाहिए कि भाई वो जाएं लॉ को अप्रोच करें, लीगल एक्शन लें, परंतु उनके पास यदि हथियार अम्यूनिशन है तो पहले उनका प्रयोग करना प्रेफर करेंगे. ये एक मेंटालिटी बन जाती है जो कि अगेन काउंटर बात है लाइसेंस इशू करने के. और थर्ड पॉइंट पे देखो मैंने कितना बहुत सफाई से पॉइंट लिखा है कि आप पुलिसमैन आर लाइकली टू फाइंड इट. पुलिसमैन को ये पता चलता है कि बहुत मुश्किल है, आर्डुअस है, मुश्किल है क्या डिस्टिंग्विश कर पाना, अंतर पहचान पाना एक कॉमन मैन और कल्प्रिट में, जब बोथ हैव ब्लडेड, सॉरी जब बोथ हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स रिजल्टिंग इन एन ऑगमेंटेशन इन अनलॉफुल एक्टिविटीज. जब पुलिसमैन और सिविलियंस, जब सिविलियंस हैं जो कि खूना खच्चर कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गोली चल रही है, तो पुलिसमैन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सही मायने में कि भाई कौन शरीफ है और कौन क्रिमिनल है. अगर सब लोग गन्स रखने लग जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा एक सिविलियन में और एक जो जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो गलत गुनहगार होते हैं, उनमें क्या फर्क रह जाएगा. पुलिसमैन कैसे पहचानेंगे जब दोनों के हाथों में खून लगा होगा. बहुत ही एक जस्टिफेबल पॉइंट. और लास्ट मैंने कैसे काउंटर करा इसी पॉइंट को कि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिविलियंस गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अफ्लुएंट. अफ्लुएंट मतलब होता है रिच, हु कैन इजिली अफोर्ड अ गन, मतलब जो आसानी से गन अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके पास तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई, सीधी बात है.
रिच है, उनको गन मिल जाएगा, वो सोर्स लगा के कैसे भी गन ले लेंगे, उसके बाद क्या है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये भी उसको काउंटर कर रहा है कि उनको नहीं देना चाहिए, आप साधारण व्यक्ति हैं तो आपको गन नहीं दी जानी चाहिए, ये इसके अगेंस्ट में। मतलब मैंने चार पॉइंट यहां पर दोनों के यूज करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। और लास्ट देखो मैंने क्या लिखा है इसको कंक्लूड करने के लिए, इसी बात को इनकैप्सुलेट करने के लिए, मतलब पूरा ओवरऑल, इट कैन बी इनजमिनेटेड दैट, ये बात निकाली जा सकती है क्या कि गन परमिट जो है टू अ लेमैन में डिटेरियट, वो डिटेरियट करेगा क्या द सिचुएशन बाय क्रिएटिंग केओस एंड मेकिंग पीपल वायलेंट इन स्पाइट ऑफ कर्बिंग द ऑफेंसेस। ऑफेंस को कम करने के बजाय ऑफेंस बढ़ेंगे, केओस फैलेगा, अप्रोर होगा चारों तरफ। नंबर 10, नोवेयर प्लॉजिबल, कहीं भी कोई शांति होगी ना ही सेटिस्फैक्शन होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्यार से मैंने यहां पर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करी, और यहां तक आते आते अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि कैसे। अब मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से भी इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालकर आपके लिए ये बनाया है वीडियो। तो एक होमवर्क भी कर लेना, सारे एक होमवर्क जरूर कर लेना, यहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लेना जो आपको मर्जी आए इन दोनों में से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठाकर लिख दिया, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगे इन दोनों में से किसी एक पर उठाकर लिखना, जैसे मैंने बताया है वैसे कोशिश करना, आपका फॉर्मेट अच्छा रहेगा, आप अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे पाओगे, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कोशिश करोगे। और जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, मैं आपके साथ हमेशा हूं, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे से रिलेटेड रिपोर्ट प्रेसी, जैसे हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको फर्दर भी इसी तरह से हेल्प करता रहूं और आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूं आपको यहां पर काफ़ी हेल्पफुल लगा वीडियो।